फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एकदम न्यू स्टाइल में, कुर्ती स्टाइल में जो है हम इसमें नेक बनाएंगे, तो एकदम स्टाइलिश तरीके से और एकदम यूनिक मैं आपको तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, इसमें फ्रंट में कुर्ती स्टाइल में किस तरीके से आप बनाएंगे। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये वाला नेक पहले कभी ट्राई किया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति फैशन बुटीक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से दो मैंने पट्टी ली है और ये जो पट्टी की चौड़ाई है वो लगभग 2 इंच की चौड़ाई में पट्टी है, और पेपर पेस्टिंग मैंने इस पर पेस्ट कर ली है। और देखिए इस तरीके से लेंथ में, लेंथ वाइज आपको इस पट्टी की जो लेंथ है मैंने जो ली है इसमें वो 14 से 15 इंच तक की ली है, और इस तरीके से आप देख लेंगे जितना भी आपको ये लॉन्ग डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से ही आप इसको लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा। जैसे 12.5 मेरे को या 12 रेडी बनाना है तो 2 या 3 इंच आप उससे एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे, पट्टी को कम नहीं लेना लेंथ वाइज, एंड चौड़ाई में आप इतना ही लेंगे। देखिए इस तरीके से 12.5 इंच पर मैं एक मार्क लगा दूँगी कुछ इस तरीके से, तो आपको जितनी लेंथ में बनाना है आप उसमें मार्क लगा लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। और मिडल में इस तरीके से मैंने एक क्रीज बना ली है और मैं आपको ये मार्क लगा के भी इसमें दिखा रही हूँ, इस तरीके से मार्क लगा लेंगे और कुछ इस तरीके से हम इस पट्टी को रखेंगे और ये पलट के इस तरीके से आ जाएगी। तो अभी मैं प्रॉपर आपको बताऊँगी डिटेल में किस तरीके से आप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पट्टी आएगी और यहाँ पर दूसरी पट्टी कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 1 इंच है डबल फोल्ड में, देखिए फ्रेंड्स, और मैं जो इसमें स्टिच लगाऊंगी वो लगभग 0.25 इंच के गैप पे लगाऊंगी, और 0.25 इंच जो है हमारा रेडी आएगा बनने के बाद ये पट्टी ऊपर। तो देखिए इस तरीके से इसमें स्टिच ज़्यादा नहीं लगती है, इसमें बस 0.25 इंच के गैप पर ही इसमें स्टिच लगेगी। तो देखिए दोनों को जो हम इस तरीके से पट्टी को मैं रख लूँगी, वन फोल्ड वाली साइड साइडों में है और सेंटर में जो है हमारी डबल फोल्ड वाली साइड है, ओपन वाली साइड जो है। अब 0.25 इंच जो है हमने रेडी बनाना है, तो 0.25 इंच का जो है हम हाफ़ लेंगे। देखिए इस तरीके से 0.25 इंच का हाफ़ जो है लगभग 3 फूट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम मार्क लगाएंगे एक साइड में, देखिए लगभग इस तरीके से 3 फूट का, और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम लगाएंगे मार्क को 3 फूट का, और ये जो टोटल अगर आप अब इसको मेज़र करेंगे तो ये 0.25 इंच होगा। और इस तरीके से जो है हम इसको दोनों पट्टियों को हम इसको रखेंगे, और अब आपको इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से स्टिच को हम नहीं लगाएंगे तो आपको बनने के बाद जो है वो फिनिशिंग जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी को रख लिया है और जो मैंने नीचे मतलब मार्क लगाया है सेंटर वाले मार्क से 3 सूत के गैप पे, तो इतना ही आपको स्टिच लगनी चाहिए। अब मैंने नीचे निशान लगाया है, आप ऊपर पट्टी पे भी रख के लगा सकते हैं निशान अगर आप बिगिनर्स हैं तो। और इस तरीके से अगर आप सेकंड जो स्टिच लगाएंगे उसमें आप इसको मेज़र कर सकते हैं। देखिए नीचे से स्टिच हमने जो है मतलब मार्क हमने लगा लिया है, और अब इसको आप देखेंगे ना एक मार्क से दूसरे मार्क तक आपका 0.25 इंच आना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से 0.25 इंच आना चाहिए। अगर ये आपका 0.25 इंच आ रहा है इस तरीके से तो आप ठीक हमारा बनने के बाद जो है ये डिज़ाइन ठीक बनेगा। तो इस तरीके से 0.25 इंच का गैप मैंने इसमें मेज़र कर लिया है, और यहाँ पे भी 0.25 इंच के गैप पे ये स्टिच हमारी लग जाएगी। देखिए इस तरीके से दोनों साइड में जो है हमारी स्टिच जो है लग गई है, एंड स्टिच लगाने के बाद जो हम इसकी कटिंग भी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा जो गैप है ये 0.25 इंच का है, और ये भी हमारा 0.25 इंच है, मतलब जो पट्टी है वो भी 0.25 इंच है, और जो स्टिचिंग का गैप है वो भी 0.25 इंच है। दोनों सेम होने चाहिए आपके, जितनी आपके पट्टी की चौड़ाई होगी उतना ही आपका सेंटर का गैप की भी चौड़ाई होनी चाहिए। सपोज़ आपको 1 इंच की चौड़ाई का बनाना है, 0.25 इंच का नहीं बनाना, 1 इंच का बनाना है, तो जितना आपका 1 इंच की पट्टी होगी तो सेंटर की सिलाई का गैप भी 1 इंच होना चाहिए तो आपका ठीक बनेगा। तो यही चीज़ को आपको इसमें जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। और सेंटर से आप इसको कट कर देंगे, और सेंटर से कट करने के बाद लगभग 0.25 इंच के गैप पे ऊपर अभी आपको कट नहीं करना, और उसके बाद उसे तिरछा कट करना है। और ये जो कट है आपको एकदम स्टिच के पास ले जाके करना है, पर स्टिच जो है आपकी कट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से जैसे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, स्टिच के पास तक आप कट लगाएंगे। देखिए मैं कटर की हेल्प से लगा रही हूँ, आप कटर की हेल्प से भी लगा सकते हैं।
और इस तरीके से मैंने इसको अब टर्न करना है। देखिए कुछ इस तरीके से पट्टी को लेंगे और इसको टर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से, वो गैप जो है हाफ इंच का मार्जिन जो है वो भी अंदर की साइड चला जाएगा, और दूसरी साइड से जो पट्टी है उसको भी टर्न कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इसको अच्छे से फिनिशिंग से आपको इस पट्टी को जो है टर्न कर लेना है। अगर आपके स्टिच ऊपर नीचे लगी होगी तो ये बनने के बाद पट्टी आपकी सेट नहीं आएगी, तो कटिंग करने से पहले ज़रूर एक बार मेज़र कर लें कि आपका इक्वल है, जितनी आप पट्टी रेडी बना रहे हैं उतना ही आपका सेंटर का स्टिचिंग का गैप है, तो वो आप एक बार इसको मेज़र करके तभी कटिंग करें। देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी सेट हो गई है, तो इसके बाद मैं एक टॉप स्टिच लगाऊंगी ऊपर जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से टॉप स्टिच लगा के हम इसको रेडी कर लेंगे। सबसे पहले देखिए इस तरीके से टॉप स्टिच जो है हमने इसमें लगा के इसको रेडी कर लिया है, एंड इसके बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से बनने के बाद हमारा है। एंड इसके बाद जो है हमने नेक भी बनाएंगे इसमें फ्रेंड्स। देखिए नेक जो है हम इसमें 6 इंच बनाएंगे, तो 6.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी, और उसके बाद जो है 2 इंच का मैं कट दूंगी इसमें, जिसमें हम टिच बटन लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो आप उसे ओपन भी कर सकते हैं और उसे क्लोज टिच बटन लगा के क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो है बाकी जो हमारा नीचे पट्टी है उसको हम स्टिच लगा के उसको हम देखिए इस तरीके से उसको सेव कर देंगे एकदम स्टिच लगा के इसको। देखिए इस तरीके से सबसे पहले मैंने डबल स्टिच लगा ली है नीचे से, और इस तरीके से हम स्टिच लगाते हुए ऊपर आएंगे, और जो हमने 2 इंच पे मार्क लगाया है जहाँ तक वहाँ तक हम इसको स्टिच को लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है ये स्टिच लगा के हमने इसको नेक को रेडी कर लिया है, एंड नेक रेडी करने के बाद जो है अब हम इसमें नेक कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें नेक किस तरीके से कटिंग करेंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा नेक कटिंग इसमें। देखिए फ्रेंड्स 8 इंच लेंथ में और चौड़ाई में लगभग 6.5 इंच मैंने इसमें लिया है। ऑन फोल्ड वाली साइड से 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से 1 इंच पे मार्क लगाने के बाद इसको स्ट्रेट कर लेंगे, एंड उसके बाद ब्रॉड का मार्क लगाएंगे 3.5 इंच पे, और लेंथ हम इसमें लेंगे 6.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी, 6 इंच इसमें रेडी बनेगा हमारा नेक। और देखिए इस तरीके से नीचे की साइड से भी हम स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से 3 इंच का हम ब्रॉड लेंगे और दोनों को इस तरीके से मार्क को मिला देंगे। एंड देखिए इस तरीके से करने के बाद इसमें राउंड शेप मैं दूंगी, राउंड शेप हम इसमें दे देंगे, एंड राउंड शेप के बाद 1.25 इंच के गैप पे समथिंग एक मार्क और लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस मार्क आप जो है मेज़र करके लगा सकते हैं, मैं आइडिया से लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से जो राउंड शेप हमारा मार्क हो गया है, अब इसको कट कर देंगे, कॉर्नर वाले मार्क को कट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है हम अपने मेन जो है नेक उसको हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है ये नेक कटिंग हो गया है, अब इसे फैब्रिक पे लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से फैब्रिक पे जिस तरीके से हम नॉर्मल नेक आप अटैच करते हैं उसी तरीके से मैंने एक सिंगल स्टिच लगा के अटैच कर लिया है। उसके बाद फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। तो नेक जो है हमारा ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे सेट हो गया है। अब बिल्कुल इसको बीचों बीच से कुछ इस तरीके से मिलाएंगे अच्छे से, और एकदम बीचों बीच से सेंटर से इसको हम कट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको कुर्ती पे हम लगाना देखेंगे, कुर्ती पे किस तरीके से लगाएंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमारी ये कुर्ती है जिसमें हमने नेक बनाया है, और इस तरीके से इसको हम लगाएंगे नेक को। तो सबसे पहले ये देखिए जो पट्टी का मिडल हम लेंगे, और मिडल से यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि 3.5 इंच हमने ब्रॉड लिया है। देखिए इस तरीके से 3.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया है, और जो हमारी पेस्टिंग है देखिए जहाँ पे नेक पे हमने स्टिच लगानी है उसको 3.5 इंच पे जो मार्क लगाया है उससे मैच करेंगे, और पिन से इसको हम सेट कर देंगे। और इस तरीके से अब नीचे की साइड से जो है हम उसको कम से कम 1/2 इंच आपको बाहर निकालना है इस नेक को। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच पेस्टिंग को आपको बाहर निकालना है। देखिए इस तरीके से अब यहाँ से भी दूसरी साइड से भी हमने 3.5 इंच पे ब्रॉड मार्क लगा लिया है, और यहाँ पे भी आपको पेस्टिंग वाली पट्टी को 1/2 इंच बाहर की साइड निकालना है। और इस तरीके से आप दोनों को मेज़र करके एक बार चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं नेक, अगर ऊपर नीचे हैं तो आप उसको सेट कर लेंगे। देखिए पिन लगा के मैंने यहाँ पे भी इसको सेट कर लिया है, और अब इसको हम मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम मिलाने के बाद जो है ये एकदम एक के ऊपर एक अच्छे से सेट हो गया है।
और इस तरीके से सेट होने के बाद आप नॉर्मल जिस तरीके से आप स्टिच लगा के नेक को रेडी करते हैं, इसी तरीके से स्टिच हम इसमें सबसे पहले लगा लेंगे। और अभी फिनिश करने के लिए थोड़ा सा चेंज है नॉर्मल नेक से, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसमें स्टिचेस में लगा ली है। एंड स्टिच लगाने के बाद देखिए हम इसको पिंस को रिमूव कर लेंगे और जो है 0.25 इंच के गैप पे स्टिच के पास जो हम इसको कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स हम इसको लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसमें कट्स भी लगा लिए हैं। अब इसको जो हम टर्न करेंगे तो टर्न करते समय जो हमने हाफ इंच का मतलब हाफ इंच का जो हमने नेक को बाहर की साइड पेस्टिंग पट्टी करी थी उसको देखिए किस तरीके से फिनिश करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर पे स्टिच लगाएंगे और इस पट्टी को हाफ इंच वाली पट्टी को अंदर की साइड करेंगे और इस तरीके से जो है इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से स्टिच लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से हम इसको स्टिच लगा के रेडी कर लेंगे और कॉर्नर पे स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से ये अच्छे से फिनिशिंग से हमारा बन जाता है। और यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, तुरपाई करके हम इसको रेडी करेंगे और फ्रंट में जो है आप इसमें बटन लगा सकते हैं। फ्रंट में मैं इसमें बटन लगाऊंगी, आप कट चाहो तो इसी तरीके से ओपन भी रख सकते हैं और इसमें टिच बटन भी लगा सकते हैं। मैं इसमें टिच बटन लगाऊंगी और फ्रंट में जो है मैं इसमें 3 बटन्स लगाऊंगी, तो वो डिज़ाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमारा बन के रेडी है कुर्ती। और देखिए हमने इसमें एक टिच बटन लगाया है ऊपर की साइड में और बाकी जो है हमने इसमें बटन्स लगाए हैं 3। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ये बटन लगा के इसको अच्छे से नेक को रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज़।